हेजहॉग बनाने के लिए हमें चाहिए व्हाइट फॉन्डेंट, थोड़ा सा ब्लैक फॉन्डेंट, पेटल डस्ट, ब्लैक कलर, ब्राउन और पिंक, थोड़ा सा हमें जेल कलर चाहिए ब्लैक कलर का, नाइफ टूल, ड्रेसडन टूल, सीजर्स और पेंट ब्रशेस। चलिए तो शुरू करते हैं हेजहॉग बनाना। सबसे पहले हम फॉन्डेंट को रोल करेंगे और ओवल शेप बना देंगे। आगे से इस तरह से पॉइंटिंग करना है, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं लाना है, हल्का सा पॉइंट देना है वहाँ पे और इस तरह से शेप बनाना है। ये शेप जैसे बन जाता है हम अपना ड्रेसडन टूल लेंगे और उसके दो ईयर्स कान बनाएंगे। ड्रेसडन टूल का जो पतला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ से हम उसको पुश करेंगे इस तरह से और इस तरह से, फिर वापस से उसको स्मूथ कर दीजिए उस एरिया को इस तरह से। डेंट को थोड़ा सा और अच्छे से कर दीजिए, शेप बनाते रहिए नीचे से, हर जगह से उसको स्मूथ करते जाइए। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम अपने सीजर्स से इसके हेयर बनाएंगे पूरे। पतली सी एज वाली सीजर्स लीजिए और यहाँ से कट करना स्टार्ट कर दीजिए। कट करते जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाना है बट आगे पीछे आप कर सकते हैं, नीचे नहीं करना है, सिर्फ ऊपर का जो दिखाई देता है उसी हिस्से तक करना है हमको। अभी हम उसकी आंखों के लिए दो होल बनाएंगे ड्रेसडन टूल का जो पॉइंटर साइड है उससे। उसके बाद हम ब्लैक फॉन्डेंट के दो छोटे छोटे बॉल्स बना के उसकी जो होल्स है उसमें हम लगा देंगे। थोड़ा सा कटिंग आप अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि जरूरत है वहां पे। यहाँ तक होने के बाद हम पेटल डस्ट से इसको डस्ट करेंगे। अब हम इसको आगे के साइड पे थोड़े से मार्क्स देंगे ज्यादा नेचुरल लुक के लिए। अपने ड्रेसडन टूल का जो पॉइंटर साइड है उससे आगे की तरफ उसको मर्ज कर दीजिए सारे मार्क्स को। जब हम इसे पेटल डस्ट करेंगे तो ये सारे मार्क्स जो है वो अच्छे से एनहेंस हो जाएंगे। अब हम इसे डस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसे ब्राउन से डस्ट करेंगे, रोलकेम का ब्राउन डस्ट। थोड़ा सा टिश्यू पेपर पे निकाल के एक्सेस निकाल दीजिए और आगे के पोर्शन में ब्रश के द्वारा ऐसे ब्रश कर दीजिए। इतना होने के बाद हम थोड़ा सा और डस्ट लेके उसके पूरे बॉडी को पेटल डस्ट करेंगे ब्राउन से पहले। अब हम ब्लैक कलर के पेटल डस्ट से उसको हाईलाइट करेंगे। ब्लैक हल्का सा ही लीजिए क्योंकि ब्लैक बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड डस्ट होता है, थोड़ा सा भी बहुत ज्यादा हो जाता है, सो जितना जरूरत है उतना ही लगाइए। थोड़ा सा प्रेस करके वहां पे ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देंगे। ब्लैक कलर का पेंट लेंगे और आगे उसका नोज बना देंगे। अब हम थोड़ा और इसको एनहांस करने के लिए पिंक कलर के पेटल डस्ट से ब्लशिंग करेंगे ऑन द चीक बोन साइड्स में। वी ऑलमोस्ट डन। ये हमारा क्यूट सा हेजहॉग रेडी हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो क्लिक करें सजेस्टेड वीडियोस की इमेजेस पे। स्क्रीन के निचले राइट हैंड कॉर्नर का बटन दबाकर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य केक्स और आइडियाज देखने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं। धन्यवाद।